आज हम बनाने जा रहे हैं बथुआ आलू की पराठे। तो यहाँ लिया मैंने उबला हुआ बथुआ, यहाँ लिए एक टमाटर, मटर, हरी मिर्ची, गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर और यहाँ लिया मैंने हरा वाला लहसुन, सिका हुआ जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और यहाँ लिया मैंने साबुत धनिया जिसको मैंने दो पार्टों में कर लिया है। यहाँ लिया मैंने प्याज, उबले हुए आलू और कटा हुआ हरा धनिया। तो चलिए बथुआ आलू के पराठे जो बनाना शुरू कर दें। आलू का मसाला बनाने के लिए हमने गैस पर चढ़ा दिया फ्राई पैन। फ्राई पैन में डालेंगे थोड़ा सा तेल और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया, आप डाल देंगे यहाँ पर जीरा, इसके बाद डाल देंगे लहसुन कटा हुआ हरा वाला, हरी मिर्ची और यहाँ पर डाल देंगे हम धनिया, ब्रश करा हुआ प्याज और इनको हम भून लेंगे हल्का सा। तो देखिए यहाँ पे हमारे प्याज हल्की सी सोटी हो गई, हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है। अब डाल देंगे यहाँ पर टमाटर और मटर, मटर को और मिला लेते हैं और टमाटर को हल्का सा हम पका लेंगे। तो यहाँ हमारे देखिए टमाटर हैं जो गल चुके हैं, अब डाल देंगे यहाँ पे आलू। और अब डाल देते हैं यहाँ मसाले, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, सिका हुआ जीरा, इसको हम पीस लेते हैं यानी बारीक कर लेते हैं। गरम मसाला और हरा धनिया। तो अब डाल देंगे यहाँ पर हमने जीरे को पीस लिया है, इसको पाउडर बना लिया है और मिला लेते हैं सभी मसाले डालने के बाद में। तो यहाँ हमारा मसाला है जो बनके तैयार है। अब हम लगा लेते हैं आटा पराठे बनाने के लिए। तो यहाँ हमने आटा लिया है गेहूँ का, तो इसमें डालेंगे नमक और डाल देंगे यहाँ पर बथुआ। तो ये बथुए के पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं और ये मेरी मम्मी बनाया करती थी, तो हम गर्मा गर्म खाते थे शाम को और खाते खाते मन भर जाता मगर पेट नहीं भरता था। तो इसको हम आटे को लगा लेंगे और पानी भी डालेंगे, हमें पानी की ज़रूरत होगी। तो यहाँ मैंने आटे को लगा लिया और मैंने आटे को लगाते लगाते इतना आटा मैंने बचा लिया है क्योंकि हम सूखा आटा लगाएंगे ना पराठों से, इसलिए। तो चलिए हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमने लोई ले लिया, थोड़े से हमने पराठे को बेल लिया और मसाला हमने पराठे ऊपर रख लिया और इसको चारों तरफ से हमने फोल्ड कर लिया और ये सूखा आटा लगा लिया यहाँ पे। और अब इसको हम बेल लेंगे जैसे हम रोटी बनाते हैं ना उस तरीके से, और छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा तवा है जो गर्म हो गया है और पराठे को हमने डाल दिया है। तो नीचे से हमने इसको सेक लिया है चटा आने तक और चटा आ चुके हैं और इसके ऊपर हम तेल लगा देंगे और फिर पलट लेंगे, पलट के हम दूसरी तरफ भी तेल लगा लेंगे। तो यहाँ हमने दोनों तरफ तेल लगा लिया है इस पर और हमने नीचे की साइड भी लगा दिया है। अब इसको हम दोनों तरफ से अलट पलट के सेक लेंगे। तो ये देखिए कितना एकदम कलरफुल पराठा बना है और देखिए चटा भी आ चुके हैं। और इसको धीमी गैस पर सेकेंगे, हमें हाई गैस पर नहीं सेकना है, तभी आपके चटे जो पड़ जाएंगे। तो ये इस तरीके से दबा दबा कर हम चारों तरफ से किनारियाँ भी सेक लेंगे और बथुआ आलू के पराठे हैं जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इस तरीके से ज़रूर बनाएं अपने घर पे आप। और फिर देखिए इसका टेस्ट है जो बथुआ आलू के पराठे का अलग ही होता है। तो ये पराठा देखिए हमारे ये फूल गया इस तरफ से, देखिए है ना यम्मी पराठे बथुआ आलू के और ये कितना अच्छा फूला है। तो इसी तरीके से हम पराठों को बना लेंगे। अगर आपको बथुआ आलू के पराठे पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना।